जो जिम्मेदारी हम देख रहे हैं परमेश्वर के राज्य में अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर के राज्य में अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना करो, हमारी कलीसिया बढ़े, ये भी आपका आपकी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि अभी आप सोचें, क्या ये आपका आपके लिए प्रार्थना का विषय होता है? क्या आप प्रार्थना करते हैं इस बात के लिए कि प्रभु हमारी कलीसिया बढ़े, उन्नति करे? उन्नति दो प्रकार की होती है, पहला क्वालिटी, दूसरा क्वांटिटी। साधारण बड़ा सिंपल है, लेकिन जो उन्नति होती है हमारी वो दो तरह की होती है। कलीसिया की उन्नति, कलीसिया में आत्मिक शक्ति कितनी है, कलीसिया की आत्मिक शक्ति, कलीसिया का आत्मिक दम, स्पिरिचुअल पावर ऑफ द चर्च, वो जरूरी है। और कलीसिया में एक तो है कलीसिया का, यहां पे लिखा हुआ है, प्रे फॉर द स्पिरिचुअल ग्रोथ क्वालिटी ऑफ द चर्च। अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना करो, मतलब अपनी कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए पहले प्रार्थना करो, उसके बाद आएगा कि अपनी कलीसिया की संख्यक उन्नति के लिए प्रार्थना करना। संख्यक मतलब संख्या बढ़ जाए। आज यहां पे 150 लोग बैठे हैं तो कल को 250 लोग आ जाए, ये प्रार्थना भी करना हमारा काम है। इसके लिए लेबर करना, मेहनत करना भी हमारा काम है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। अगले हफ्ते में आपको बताऊंगा कलीसिया में ज्यादा लोग आने चाहिए और बढ़ना चाहिए, एक और सत्संग शुरू करना चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इस चीज के लिए हमें प्रार्थना करनी है और हमें मेहनत करनी है, लेकिन आज मैं आपसे इस विषय पर बात करना चाहता हूं। पहले क्वालिटी की बात करो, क्वालिटी जरूरी है। आत्मिक रूप से आप कहां पे हो? स्कूल है नाथुपुर में या किसी भी छोटे छोटे गांव में बहुत सारे स्कूल होते हैं। स्कूल में 200 बच्चे आ रहे हैं, 300 बच्चे आ रहे हैं, और उसमें उनको कौन पढ़ाता है? टीचर्स पढ़ाती है ना। और स्कूल बड़ा स्कूल बहुत ढींग मार रहा है एक बात की, हमारे यहां पे 40 टीचर हैं। कितने टीचर हैं? जो 40 टीचर हैं, 300 लोग हैं, लेकिन उनमें से टीचरों को अभी हमने बहुत सारी YouTube पे ऐसी वीडियोस हमारे सामने आई जहां पे हमने देखा कि सरकारी स्कूल की टीचरें, उन्हें स्पेलिंग तक नहीं आते जनवरी के, फरवरी के, उन्हें ये तक नहीं पता देश का प्रधानमंत्री कौन है। देखी होंगी आपने ऐसी वीडियोस? तो मतलब क्वालिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? सिर्फ टीचर होना काफी है या कुछ आना भी चाहिए टीचर को? सिर्फ स्कूल में 300 बच्चे भरना काफी है या उन बच्चों को कुछ आना भी चाहिए, लिखना पढ़ना, बताइए? इसलिए कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, जितने भी हैं वो कितने दमदार हैं उससे फर्क पड़ता है। उसी प्रकार चर्च में कितने लोग आते हैं, ऑफकोर्स ज्यादा लोग आते तो हमें भी अच्छा लगता है। जब बहुत, कभी कभी क्या होता है, बहुत कम लोग, मेरी पत्नी जानती है, हमारे टीम के लोग जानते हैं, जब आप लोग कभी बहुत, एक दिन क्या हुआ, आए नहीं लोग, मतलब बहुत कम लोग हैं, तो हमारा दिल दुखी होता है। शुरू शुरू में हमें परेशानी होती है, प्रभु लोग कहाँ गए, क्यों नहीं लोग आ रहे हैं? और उस दिन स्पिरिट भी लो होती है, फिर प्रभु संभालता है, फिर सब ठीक हो जाता है। लेकिन कितने लोग आते हैं उससे ज्यादा जरूरी है जितने लोग आ रहे हैं वो सब के सब प्रभु के साथ डायरेक्ट संपर्क में है या नहीं है, ये जरूरी है। अभी हम सितंबर का महीना प्रार्थना कर रहे हैं, 1 सितंबर से लेके सितंबर के एंड तक, 30 सितंबर तक हम हर रोज उपवास करेंगे, हर रोज यहाँ पे शाम को 7 बजे प्रार्थना होगी, हर रोज आप सब यहाँ पे आएंगे इन्हीं बातों के लिए, दुआ करने के लिए कि प्रभु हम क्वालिटी में बढ़ना चाहते हैं, हमारी आत्मिक उन्नति कर प्रभु, प्रभु कुछ करे। प्रभु के आप कितने नजदीक हैं, यही है आत्मिक उन्नति। हाउ क्लोज आर यू टू गॉड, हाउ ओबीडियंट आर यू टू गॉड, हाउ मच अवेयर आर यू ऑफ हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति को लेकर के कितना आभास है आपको, या ढीलेपन में अपनी जिंदगी जी रहे हैं? ये है आत्मिक, प्रे फॉर द स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक उन्नति के लिए दुआ करना अपने चर्च के लिए। अब ये हम कैसा, आत्मिक उन्नति कैसी होती है, कैसे प्रार्थना करें? प्रभु हमारे चर्च को आत्मिक उन्नति दे, आत्मिक उन्नति दे, प्रभु हमें आत्मिक उन्नति दे, बस यही है? हमें खुद को भी नहीं पता आत्मिक उन्नति होता क्या है, इसलिए जब हम आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं
तो एग्जैक्टली किन बातों के लिए प्रार्थना करना है, किस प्रकार हमारा चर्च आत्मिक शक्ति प्राप्त करेगा, किस प्रकार आप में से एक एक जन आत्मिक रूप से बलवंत, मजबूत और ऊंचा उठेगा, किस प्रकार आप में से एक एक जन परमेश्वर के नजदीक होगा, उन बातों को मैं आपको आज बताना चाहता हूं ताकि आप, आपकी प्रार्थनाएं सटीक हों। किन बातों के लिए प्रार्थना करनी है? सबसे पहले प्रार्थना करें, अगर आपको एक स्ट्रांग चर्च चाहिए, अगर आपको एक मजबूत चर्च चाहिए, भले उसमें 40 लोग क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रांग कलीसिया चाहिए तो आपको प्रार्थना करना है कि आपकी कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया बन जाए। प्रे फॉर अ प्रेइंग चर्च। प्रार्थना करें, प्रभु मेरी कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता, मैं पास्टर हूं इस चर्च का, मुझे नहीं लगता कि हमारी कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया है। छोटी छोटी प्रार्थनाएं, इंस्टॉलमेंट की प्रार्थनाएं, जैसे ही कुछ समस्या हुई झट से प्रभु के पास रोने वाली प्रार्थना, जैसे ही कुछ समस्या आई झट से वेरोनिका को, सोनू को, पास्टर जॉय को, किसी ना किसी को फोन लगाना, वो प्रार्थना करने वाली कलीसिया कहलाती है। मरता क्या ना करता, जब आप दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, बस सिर्फ तभी प्रभु को पुकारते हैं, वो कोई बहुत बड़ी महान प्रार्थना नहीं है। धन्यवाद इस बात के लिए कि परमेश्वर ने आप ही को, आपको प्रेरणा दी कि आप दुखों में उसी के पास जाएं, लेकिन ये सारी दुनिया ऐसे करती है। सिर्फ दुखों में प्रार्थना करना, परेशानियों के समय प्रार्थना करना, या सिर्फ खाना खाने के समय प्रार्थना करना, मैं जानता हूं कि हमारी कलीसिया को और ज्यादा प्रार्थना करने वाली कलीसिया बनना है। जो कलीसिया बड़े बड़े मुद्दों के लिए दुआ करती है, जो कलीसिया, जो चर्च, जो सत्संग, जो झुंड ऐसा है जो पूरी दुनिया में परमेश्वर के काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है, जो पूरी दुनिया के बदलने के लिए दुआ करती हो, जो हमारे देश के बदल जाने के लिए दुआ करती हो, जो हमारे देश के नेताओं का जीवन बदल जाने के लिए दुआ करती हो, ऐसी कलीसिया आप लोगों की बात, हेलो मैं आपकी बात कर रहा हूं, इधर ही आप सारे, जो ऐसी कलीसिया, ऐसे लोग जो अपने पड़ोसियों के जीवन बदलने के लिए दुआ करते हो, क्या आप प्रार्थना करने वाली कलीसिया हैं? आज के जो सारे वचन हैं, पढ़ने का समय नहीं होगा, लेकिन मैं आपको वचन बताता जाऊंगा, आप लिखते जाएं, लेकिन मैं आपको जितने भी उदाहरण दे रहा हूं सब के सब एक एक वचन में से है। प्रेरितों के काम 12 में हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 12 में जेम्स, पास्टर जेम्स, कौन, नाम बोलो सारे, कौन, पास्टर जेम्स का मर्डर हो गया और उसके साथ का पास्टर, पास्टर पीटर, पतरस जो पास्टर है, उसको जेल में डाल दिया गया। और उत्पत्ति सॉरी एक्ट्स 12 के 5 में, प्रेरितों के काम 12 के 5 में देखो क्या हो रहा है। एक का मर्डर हो गया, एक पास्टर का मर्डर हो गया, और दूसरे को, बोलो दूसरे को, जेल हो गई है। अब देखो कलीसिया क्या कर रही है, डर के मारे अपने घर में छुपके नहीं बैठी है कि यार आजकल ना चर्च का माहौल ठीक नहीं है। सोनू भैया का मर्डर हो गया, जॉय भैया को जेल हो गई क्योंकि सरकार ने पकड़ लिया, प्रभु का काम कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे प्रभु का, तो सोनू भैया का तो मर्डर ही कर दिया और जॉय भैया को जेल हो गई है। 4-5 संडे चर्च मत जाना, खतरा है जान को, हमको भी पकड़ लेंगे। मैं आपको एक बता रहा हूं, यही माहौल था उस समय जब पास्टर जेम्स का मर्डर हो गया, पास्टर पीटर को जेल हो गई है। लेकिन देखो कलीसिया क्या कर रही है, मिलके क्या कर रही है कलीसिया, कलीसिया क्या कर रही थी, उसके लिए लव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर। कलीसिया ने ना, ये चर्च बंद नहीं हो गया, 4 संडे सत्संग मत करो, सबको अपने घर में व्हाट्सएप पे वचन भेज दो, ऐसा नहीं था, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 4 में, पतरस और यहुन्ना, एक बार ये पहले की बात है, पतरस और यहुन्ना, सब मेरी तरफ देखे, डोंट वरी, सब मेरी तरफ, उसमें क्या हुआ है, उन दोनों ने एक चमत्कार कर दिया प्रभु के नाम की महिमा के लिए, वो चमत्कार पूरे शहर में फैल गया, वो फंस गए, क्यों, क्योंकि अधिकारियों ने मना किया था यीशु के नाम का प्रचार नहीं करना। पतरस और यहुन्ना तो प्रभु के जुनून से पागल हैं, प्रभु का नाम प्रचार करते हैं, चमत्कार करते हैं, इनको जेल हो गई और फिर छूट के बाहर आ गए, किसी की मदद हुई, जो भी है जेल से बाहर आ गए। फिर ये लोग अपने कलीसिया में गए, कहां गए, डर के मारे, ये नहीं कहा प्रभु ने जान बचा ली, यार भाई ऐसे करते हैं 2 हफ्ते रेस्ट करते हैं और फिर देखे, नहीं, कहां चले गए, सीधा
अपने चर्च में चले गए और अपने चर्च के लोगों को बताया और चर्च के लोगों ने प्रार्थना करी। ये बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 4:23 के हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी समय नहीं है। लेकिन Acts 4:23 में लिखा हुआ है क्या, लिखा है पतरस और यूहन्ना कलीसिया में गए, अपने चर्च के लोगों को बताया कि हम जेल में फंस गए थे, हम प्रचार कर रहे थे, हम बच के आ गए, और चर्च के लोग एकदम से मिलके प्रार्थना करने लगे। उन्होंने प्रार्थना में ये नहीं कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमारे अगुओं को बचा लिया। पता क्या प्रार्थना करने लगे, हे परमेश्वर, और परमेश्वर की महानता का बखान करने लगे। और फिर क्या कहते हैं, पूरी निर्भरता, निडर होके, बोल्डली, बिना डरे तेरे नाम का प्रचार करें। यह किसकी प्रार्थना है, कौन कर रहा है प्रार्थना, कलीसिया की प्रार्थना। प्रभु हमारे पास्टर्स को बचा ले, प्रभु यही हमारे पास्टर्स हैं, और तो कोई हमारे पास है नहीं, इनको तू बचा ले प्रभु। ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रभु वो अभी छूट के आए हैं जेल से, पर मेरे खुदा तू उनके अंदर और जोश डाल ताकि बुलंदी के साथ तेरे नाम का प्रचार करें। अगर आपको मेरे लिए प्रार्थना करनी है, आपको मेरे लिए और कलीसिया के अगुओं के लिए, टीम के लिए क्या प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारी कलीसिया के अगुओं को तेरा वचन जोरों शोरों के साथ प्रचार करने के लिए बुलंदी बख्श, ये प्रार्थना आपको करनी है। एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया। और 30 में फिर क्या, ये उसी में है, Acts 4:23 से कहानी शुरू होती है, 29 हमने पढ़ा, वो अपने लोगों के लिए, अपने लीडर्स के लिए बोल्डनेस को मांगते हैं। 30 में क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं 30 में, तू लोगों को चंगाई देने के लिए अपना हाथ बढ़ा, परमेश्वर से चमत्कारों को मांग रहे हैं। एज अ कलीसिया हम लोगों को क्या प्रार्थना करनी है, कलीसिया के अगुवे बोल्डनेस के साथ प्रभु का नाम प्रचार करें, और दूसरा प्रभु की ओर से उनके संदेश पे मोहर लगाने के लिए परमेश्वर कलीसिया में बड़े बड़े चमत्कार करें। हालेलुया, इन बातों के लिए दुआ करना है। और दुआ करने वाली कलीसिया, मैं आपको अभी से चैलेंज कर रहा हूं, विनती भी कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों के मन में डालना चाहता हूं इस बात को, कलीसिया जब मिलके दुआ करती है आसमान हिल जाते हैं, जब कलीसिया मिलके दुआ करती परमेश्वर उसका उत्तर देता है, बड़े बड़े काम करता है। सितंबर के महीने में हर रोज अपना जीवन का, अपने इस साल का एक महीना प्रभु के नाम कर दें, प्रार्थना के लिए कर दें, एक ऐसी कलीसिया जो प्रार्थना करती है। दूसरा, एक ऐसी कलीसिया के लिए प्रार्थना करो जो परमेश्वर के लिए पैशनेट है, क्रेजी है, जेलस है, उत्साहित है, जिसके दिल में परमेश्वर के लिए जुनून है। भाइयों बहनों, एक ऐसी कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु हमारी कलीसिया में तेरे नाम के लिए जोश को डाल दे। प्रभु यीशु मसीह ने के बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि प्रभु तेरे घर के लिए जो उत्साह है वो मुझे घेर लेगा, मुझे भर देगा। जील फॉर योर हाउस विल कंज्यूम मी, मैं अपने परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, मेरे अंदर जो जोश है मैं उसमें भस्म हो जाऊंगा, जोश। और यीशु मसीह के अंदर वो जोश आया, भविष्यवाणी पूरी हुई, और जिस दिन जब मंदिर में बिजनेस धंधा चल रहा था, यीशु घुसा और क्या किया, यीशु ने सारे के सारे धंधा करने वालों को वहां से बाहर निकाल दिया। ये कहां से आया, क्योंकि यीशु अपने परमेश्वर की महिमा के लिए पागल था, यीशु अपने परमेश्वर की महिमा के लिए सचमुच पागल था, और मैं पागल शब्द इस्तेमाल करूंगा क्योंकि उसके घर वालों ने उसको वही कहा था। जब यीशु सेवा करके अपने घर वापस लौटा तो घर के लोगों ने उसे खाना वाना परोसा होगा, लेकिन लिखा है वो खाना नहीं खा पाए। एक और जगह पे लिखा है कि उसी कुछ समय के बाद घर के लोगों ने पता यीशु के बारे में क्या कहा, कहा ये अपने मन से निकल चुका है, मतलब मन से, आउट ऑफ हिज माइंड, ये पागल है, मूर्ख हो गया है। प्रभु के नाम के लिए मूर्खता दिखाना भी उसके हमारे विश्वास का एक प्रतीक है, हमारे विश्वास का एक प्रकटीकरण है। और आप होंगे पागलों जैसे, क्योंकि बाइबल कहती है सुसमाचार मूर्खता का सुसमाचार है, बुद्धिमानी का सुसमाचार नहीं है। मूर्खता मतलब दुनिया हमें मूर्ख समझती है, इस प्रकार का मूर्ख अगर कहलाते हो तो बड़ी बात है मेरे भाइयों बहनों। उसके अपने घर के लोग कह रहे हैं ये पागल हो गया। अपोसल्स, प्रेरित लोग जो प्रभु के प्रचारक हैं, जगह जगह जाते थे, एक ने तो शादी नहीं करी, गांव गांव जाता है, शहर शहर जाता है, पागल हो गया अपने खुदा के लिए। पता लोग उसे क्या बोलते थे, हार लगा के उसका स्वागत नहीं करते थे, उसे पागल कहते थे। पौलुस की बात कर रहा हूं। और हम देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों 5:13 में
प्रेरितों को कहा गया दे आर आउट ऑफ देयर माइंड, तो पौलुस ने जवाब, मतलब ये पागल हो चुके हैं अपने यीशु के लिए, पागल हो चुके हैं ये लोग, तो वो क्या जवाब देता है, दूसरा कुरिन्थियों 5:13 में जवाब देता है, आई एम आउट ऑफ माई माइंड फॉर द सेक ऑफ माई गॉड, बट आई एम इन माई माइंड फॉर योर सेक. क्या कहता है, मैं पागल हूं तो अपने खुदा के लिए पागल हूं, और अगर मैं अकलमंदी की बातें करता हूं तो तुम्हारे लिए करता हूं, ताकि तुम सुसमाचार को जान लो और तुम भी मेरी तरह प्रभु के लिए पागल हो जाओ. दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता. आप में से शायद मुझे मिला के हम लोग कितनी बार शायद दुनियादारी में ही खोए पड़े हैं. सारा समय, सारी चिंता, सारा कुछ घर में, सारी बातचीत दुनियादारी की बातों के लिए होती है. जक्कई नाम का आदमी पागल था प्रभु के लिए. बड़ा अफसर था, छोटा मोटा कर्मचारी नहीं था, क्या था, बड़ा अफसर था. प्रभु को देखने की लालसा आ गई. What kind of madness did he show for the Lord? क्या किया उसने प्रभु के दर्शन करने के लिए, क्या किया जक्कई ने, कोई बताएगा? पेड़ पे चढ़ गया. एक बहुत बड़ा दफ्तर, कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब कहां चढ़ गए हैं, पेड़ के ऊपर. काहे, प्रभु के दर्शन चाहिए. प्रभु के दर्शन के लिए बंदर बन गया, पागल बन गया. उसको मालूम है कल जब मैं दफ्तर में जाऊंगा तो जब दोपहर की रोटी के लिए आधा घंटा छुट्टी मिलेगी 1 बजे, तो मेरे आसपास मेरे 20-30 जो है ना जूनियर अफसर मेरे ऊपर हंसेंगे. वो जानता था मेरे ऊपर हंसेंगे, पर मुझे प्रभु के दर्शन पाना है चाहे लोग मुझे पागल कहें. वो एक औरत थी जो प्रभु के मरने के पहले आई, और बड़ा महंगा जार, लाखों लाखों रुपए उसकी कीमत थी. इतना बड़ा परफ्यूम का बहुत बड़ा घड़ा. एक तरह से आपको मालूम है इसराइल के लोगों के लिए धन इकट्ठा करने का वो तरीका था, जैसे हम सोना बटोरते हैं, उस यानी कि उनके लिए धन इकट्ठा करने का वो तरीका था कि जितना यू नो परफ्यूम, क्या बोलते हैं, इत्र, तो इत्र का बहुत बड़ा बर्तन लाई और यीशु के सामने फोड़ दिया और यीशु के सर पे उंडेल दिया. तो लोगों ने कहा ये कैसी मूर्खता है, ये कैसी मूर्खता है, ये सारा पैसा गरीबों के लिए, चैरिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते थे. लेकिन प्रभु ने कहा इसको परेशान मत करो. जिसको दुनिया ने कहा पागल है, प्रभु ने कहा इसको परेशान मत करो. हालेलुया. तो प्रभु के लिए पागल होना, प्रभु के लिए क्रेजी हो जाना. वो लोग वो पागल लोग थे. सुसमाचार के जब प्रचार जब होने लगा, वो पागल लोग थे भाइयों बहनों, जो अपना अपना बिल्डिंग प्लॉट, अपना घर मकान सब कुछ बेच के चेलों के चरणों में रख देते थे. वो पागल लोग थे, लेकिन ऐसी पागलपन में परमेश्वर के नाम की महिमा है. ये पागल लोग होते हैं जो बाहर देश के मिशनरी होते हैं, जो अमेरिका से, यूरोप से, अलग अलग कंट्रियों से, जर्मनी से. कल एक भाई से ऐसा मिला मैं, जर्मनी देश का है. अलग अलग अपने अच्छे अच्छे देशों को, हमारे देश में सुख सुविधाएं बिल्कुल नीचे हैं, लेकिन अपना देश छोड़ दिया. क्यों? हमारे देश में आ गए, या अफ्रीका में चले गए, या बांग्लादेश में चले गए, या श्रीलंका में चले गए, या नेपाल में चले गए, या चाइना में चले गए, इन सारे गरीब देशों में चले गए जहां पे यीशु मसीह के नाम का प्रचार ज्यादा नहीं हो रहा. तो क्यों आ गए? क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना है. हमारे यहाँ के लोग पागल हैं. बाहर जाने का रास्ता खुल जाए, कुछ भी हो जाए, मैं बाहर जाके टॉयलेट भी साफ करने को तैयार हूं. लेकिन वो लोग हैं जो अपनी अच्छी अच्छी पढ़ाइयां करके, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के, वो लोग पागल हैं प्रभु के लिए. वो लोग प्रभु के लिए उत्साहित और जोश रखने वाले और जुनून रखने वाले लोग हैं, जो अपना देश छोड़ के हमारे देश में आके प्रभु के नाम की सेवा कर रहे हैं. इसलिए ऐसी कलीसिया बनना है जो प्रभु के लिए क्रेजी हो, पैशनेट हो, जेलस हो, उत्साहित हो, जुनून से भरी हुई हो. एक ऐसी कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है जो परमेश्वर के वचन के लिए भूखी हो. प्रभु ने कहा इनको पवित्र कर, तेरा वचन इनको पवित्र करेगा. अगर हम पवित्र होना चाहते हैं, सिद्ध होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बाइबल के द्वारा ही, वचनों के द्वारा ही हमारा स्तर ऊंचा हो जाएगा. इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बाइबल में घुस जाओ, बाइबल पढ़ा करो. एक ऐसी कलीसिया हमारी हो जाए जो वचन में आगे बढ़ना चाहती, जो वचन के लिए भूखी हो. एक ऐसी कलीसिया जो धन्यवाद देना जानती हो. रोमियो की पत्री में, उसके पहले अध्याय में, आई थिंक उसकी 21वीं पद संख्या में, पौलुस क्या कहता है कि लोगों ने जो प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु के बारे में उनको ज्ञान दिया गया पर ठुकरा दिया,
और अपनी मनमर्जी करी और मूर्ति पूजा करने लगे, और पौलुस कहता है उन्होंने प्रभु के नाम को धन्यवाद नहीं दिया। उसके बाद जब पौलुस कलीसियाओं को पत्री लिखता है वो क्या कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब बातों में मिलकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दो। इसलिए भाइयों बहनों, आपको धन्यवाद देने वाले लोग बनना है आपके जीवन की सारी आशीषों के लिए। प्रभु का हाथ आपके ऊपर है, प्रभु ने आपको अपना पुत्र पुत्री बनाया है, अंधकार से निकाल लिया है, अनंत जीवन आपको दे दिया है। अगर आज की रात आप मर जाएंगे तो सीधा प्रभु के सामने दर्शन पाएंगे, ये सारी आशीषें उसने आपको दी हैं। तो प्रभु के नाम के लिए, प्रभु की आशीषों के लिए धन्यवाद देने वाली कलीसिया बनना, यह सब कुछ वचन पर आधारित है। एक प्रेम भरी कलीसिया बनना, अब तक चर्च में जिसको जिसको क्षमा नहीं किया है प्रभु से हिम्मत मांगे और आगे बढ़े ताकि क्षमा कर सकें और सच्चा प्यार दिखा सकें, सचमुच हमारी कलीसिया एक परिवार बन सके। रिलेशनशिप्स की बात हम कर रहे हैं बट क्या वैसा बन रहे हैं, बनना चाहते हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रभु से शक्ति मांग रहे हैं कि कलीसिया सचमुच में एक परिवार हो जिसमें सचमुच में प्रेम दिखाया जाए। और सात साल से आपको बताते आ रहा हूं, प्रेम का सबसे बड़ा तरीका है माफ करना, प्रेम का सबसे बड़ा टेस्ट है माफ करना। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आप उसको प्रेम नहीं कर पा रहे हो। एक ऐसी कलीसिया के लिए प्रार्थना करना जिसमें मजबूत परिवार हो, स्ट्रांग परिवार, पति पत्नी बच्चे, या अगर आपका पति नहीं है तो पत्नी और बच्चे, या अगर पत्नी नहीं है तो पति और बच्चे, लेकिन मजबूत परिवार जिसमें जो आदमी है घर का, जो मुखिया है, वो सचमुच अपने घर का आत्मिक मुखिया बने। द हस्बैंड मस्ट बिकम द पास्टर ऑफ हिज हाउस। और अपने पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर जो उनको उनकी आत्मिक अगुवाई करे, पति पत्नी का संबंध जिसमें शादी को वो आदर की बात समझें, पति पत्नी का संबंध जिसमें वो लड़ाइयां होती हैं लेकिन माफ करके आगे बढ़ने वाले हों, पति पत्नी का अच्छा संबंध जिसमें सचमुच में एक एक पत्नी अपने पति को सबमिट करती है और पति अपने पत्नी को प्यार करता है जैसे कलीसिया ने प्यार किया, और पत्नी और पति अपनी पत्नी की भी इज्जत करता है। सिर्फ पत्नी इज्जत करे नहीं, वचन कहता है पति भी पत्नी की इज्जत करे। और ये परिवार जो मिलके बातें करें, परमेश्वर के राज्य की बातें करें, किस अपनी पत्नी से बात करना कि बता किस प्रकार हम अपने चर्च में किसकी सेवा कर सकते हैं, किस प्रकार हम इस दुख की घड़ी में उस परिवार को हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार हम किसी मिशनरी की हम मदद कर सकते हैं, किस प्रकार हम प्रेम दिखा सकते हैं पड़ोसियों को। और ऐसे परिवार जिसमें महिलाएं, सारी महिलाओं से मैं बात कर रहा हूं, ऐसे परिवार जिसमें महिलाएं प्रार्थना वाला जीवन जिएं लेकिन साथ में अपने गुणों को और अपने वरदानों को भी इस्तेमाल करें, नॉट जस्ट सिर्फ औरतों को, महिलाओं को इस एक प्रार्थना के कक्ष में डाल देना, उनका काम बस प्रार्थना करना। किसने कहा? वो प्रार्थनाएं कर सकती हैं लेकिन प्रभु ने उनके अंदर और भी अलग अलग वरदान डाले होंगे, वचन देने का वरदान, किसी को मेंटर करने का वरदान, संडे स्कूल पढ़ाने का वरदान, हो सकता है एक स्कूल चलाने का वरदान हो। जो भी वरदान आपके अंदर है बहनों, अपने वरदान को इस्तेमाल करो, अपने आप को अपनी रसोई और अपने प्रार्थना के कक्ष तक सीमित मत रखो। अगर आपका वरदान है ही प्रार्थना करना और कलीसिया के लिए घंटों प्रार्थना करना तो ठीक है, लेकिन हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसा वरदान हो जो कलीसिया में आप जब पूरा करेंगे उस वरदान को तो कलीसिया आपके द्वारा आशीष पाएगी। इसलिए पति, सारे पति लोगों को, कुछ ऐसे पति हैं जो सोचते हैं कि मेरी पत्नी को घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, क्यों 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 नहीं निकलना चाहिए? अगर आपकी पत्नी अपने घर को संभाल रही है और आप उसकी मदद कर रहे हैं उसमें, तो आपको कोई अधिकार नहीं है अपनी पत्नी को रोकने का, आपके ऊपर उल्टा जिम्मेदारी है आप अपनी पत्नी को आगे बढ़ाएं सेवा करने के लिए। वो सोच विचार हमारे अंदर नष्ट होना चाहिए, मेरी पत्नी का सिर्फ यही काम है कि वो मेरा घर संभाले।
खास तौर पे अगर पत्नी काम करती है तो दो हर एक काम में दोनों की बराबर जिम्मेदारी है, हर एक काम में। और आप अपनी पत्नी, जो पति लोग हैं, अपनी पत्नियों के लिए सेवा का रास्ता बंद मत करो, सेवा का रास्ता खोलो। उनसे पूछो किस प्रकार तू चर्च में आगे बढ़ना चाहती है, किस प्रकार तेरे मन में क्या बोझ प्रभु डाल रहा है, ये पूछना आपका काम है भाइयों। अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, कुछ लोग डरते हैं कि बिगड़ जाएंगे हमारे बच्चे तो यूथ मीटिंग में नहीं जाना। जितना आप लोगों को पकड़ के रखोगे ना, उतने वो ज्यादा घुटेंगे और आपके विरुद्ध हो जाएंगे। लेकिन जितना आप उनको प्यार करके, समझ के, आप उनको आगे बढ़ने के लिए आजादी देंगे, तो ध्यान रखना ये बात सच है, आजादी लोगों को जिम्मेदार बनाता है अगर वो प्रभु के भय में है। तो ऐसे परिवार जिसमें पति अपना रोल पूरा करे, पत्नियां अपना रोल पूरा करें, बच्चों के लिए सिर्फ ये प्रार्थना करना बंद कर दो, लॉर्ड हेल्प माय चिल्ड्रन इन माय एग्जाम्स लॉर्ड, सिर्फ यही आपकी प्रार्थनाएं नहीं होनी चाहिए, मेरे बच्चों की पढ़ाई में मदद कर। आपके बच्चे सांसारिक ज्ञान के साथ साथ परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने के लिए भी परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है। इसलिए ये प्रार्थना करना और बच्चों के साथ मेहनत करना, समय बिताना, बातें करना, समय ढूंढना कि आप बात कर सकें, उनके अंदर आत्मिक आदतें उनके अंदर कल्टिवेट करना, यह आपकी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के दुनियावी ज्ञान के साथ, स्कूल की किताबों के साथ साथ परमेश्वर के वचन के बारे में भी उनको ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मजबूत पति, प्रार्थना करने वाली और एक्टिव पत्नियां और बच्चे जो खुदा के डर में आगे बढ़ रहे हों, ऐसे कलीसियाओं के लिए, ऐसे परिवारों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। और ऐसी कलीसिया बनने के लिए प्रार्थना करना है जिसमें हर एक व्यक्ति पवित्र जीवन जिए, हर एक व्यक्ति एक पवित्र जीवन जिए। पहले मैंने यहां पे लिखा था कि एक पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, अब क्या हुआ, वो एक सपना बन गया, पवित्र कलीसिया। अब नहीं मालूम पवित्र कलीसिया कैसी होती है। पवित्र कलीसिया वो है जो साल में 4 बार उपवास रखती है, एक एक महीना, वो पवित्र कलीसिया है। पवित्र कलीसिया, इसीलिए मैंने लिखा कि हर एक व्यक्ति पवित्र जीवन जिए। पवित्रता क्या है, परमेश्वर ने हमें पवित्र ठहरा दिया है, अब हमें अपने जीवन के चुनावों में रोज रोज, जीवन भर, अपने जीवन काल में, अपने जीवन के चुनावों से हम अपनी पवित्रता को दर्शाते हैं, जो पवित्रता उसने हमें दे दी है। समझने की कोशिश करें, परमेश्वर अति पवित्र है। परमेश्वर क्या है, अति पवित्र है। उसका पहला गुण जो सब बातों से अलग है वो ये है कि वो अति पवित्र, बहुत बहुत पवित्र परमेश्वर है। उसके अंदर कुछ भी झूठ, पाप, गलत चीज नहीं है परमेश्वर के अंदर। और मनुष्य ने पाप किया है। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा एक बात जो शायद आप में से कहीं ने पढ़ा होगा, लेक्चर शायद कुछ लोग पहली बार ही सुन रहे हैं। वाचा के संदूक के बारे में आप जानते हैं, जो मंदिर में रखा होता था, जो अति पवित्र स्थान में जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, उस वाचा के संदूक में 3 चीजें थी। हारून की छड़ी थी उसके अंदर, और वचन की टुकड़ियां थी, और क्या था, मन्ना उसके अंदर था। वो तीनों चीजें उस बक्से के अंदर रखी होती थी क्योंकि उनका वो एक चिन्ह था, लेकिन वो इस बात का भी चिन्ह था कि लोगों ने पाप किया है। जो छड़ी थी वो अधिकार को दिखाता है, वो इस बात का प्रतीक था कि लोगों ने परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए अधिकार को, परमेश्वर की जो अधिकार है जो उसने सौंपा था, उसको लोगों ने ठुकरा दिया है। जो वचन का टुकड़ा उसके अंदर था, वो इस बात का प्रतीक था कि लोगों ने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया है, परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं किया है, उसका आदर मान सम्मान नहीं किया है, आज्ञा नहीं मानी है। और जो मन्ना उसके मन्ने का टुकड़ा जो उसके अंदर था, वो इस बात का प्रतीक भी था कि जो परमेश्वर का प्रोविजन है लोगों ने ठुकरा दिया। कुल मिलाकर के इंसान का पाप उस बक्से के अंदर था, वो चीजें इंसान के पाप का प्रतीक था, अति पवित्र स्थान में वो रखा होता था। और उसके दोनों तरफ यूं 2 फरिश्ते बने होते थे, 2 बड़े भयानक फरिश्ते जो स्वर्ग में जिस तरह होते हैं उसको दर्शाने वाले, और वो हर वक्त, उनका मुंह कहां होता था, नीचे होता था।
वाचा का संदूक है, संदूक के अंदर इंसान के पाप का प्रतीक है, और फरिश्ते दोनों साइड से फरिश्ते नीचे देख रहे हैं, लेकिन नीचे क्या है बोलो? इंसान का पाप है। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में हर समय इंसान का पाप है। भजन संहिता 51 में लिखा हुआ, दाऊद कहता है, परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है और हर समय मेरा पाप मेरे सामने बना रहता है। परमेश्वर हमारे पाप को जानता है। लेकिन क्या होता था उस जमाने में, साल में एक बार, सब लोग सुन रहे हैं, साल में एक बार महापुरोहित जानवर को मार के, जानवर के लहू को लेकर के बाहर जानवर को मारते थे, बाहर के स्थान में जानवर को मार के उसका लहू एक बर्तन में लेके साल में एक बार डरते कांपते, क्योंकि महापुरोहित जानता था वो अंदर से मुर्दा भी बाहर आ सकता है। क्यों? परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो भयानक, भयंकर और अद्भुत है, क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र है। उसको देख करके जिंदा रह जाना असंभव है, और साल में एक बार वो सारे लोगों के पापों को माफ करवाने के लिए एक बर्तन में जानवर का लहू लेके जाता था, और जो संदूक था उसके ऊपर दया का आसन था। क्या था? दया का आसन होना चाहिए था, क्रोध का आसन, क्योंकि उस आसन के नीचे क्या है? मनुष्य का पाप है। लेकिन वो फिर भी दया का आसन था। दया का आसन क्यों कहलाता था? क्योंकि उस वेदी के ऊपर, उस दया आसन के ऊपर जो पुरोहित, जो महापुरोहित था, वो साल में एक बार पूरे देश के लोगों के पापों के लिए और अपने पापों के लिए डरते कांपते, परमेश्वर का आदर मान करते हुए उस लहू को उंडेलता था। और जब लहू उसके ऊपर उंडेल दिया जाता था तो पहले फरिश्तों को क्या दिखता था? मनुष्य का, लेकिन अब क्या दिख रहा है? लहू। और उस जानवर के लहू से यीशु के आने तक जितने भी मनुष्य के पाप होते थे कुछ समय के लिए ढक जाते थे। परमेश्वर फिर उनके पाप को नहीं देखता था, मेमने के लहू को देखता था, और जिससे लोगों को दया मिल जाती थी। दया के आसन पे लहू बहाया गया। 2018 साल पहले उस क्रूस पर जब यीशु ने अपना लहू बहा दिया, यही हुआ था भाइयों बहनों। स्वर्ग में जहां परमेश्वर का सिंहासन है, अति पवित्र स्थान है, बिल्कुल वैसा एक मंदिर, परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्ग में भी है। स्वर्गीय मंदिर में एक काम हुआ, स्वर्ग में जो वाचा का संदूक था, जो हमारे पाप का प्रतीक था, उसके अंदर जो चीजें थी वो हमारे पाप का प्रतीक था, वहां पर कुछ काम हुआ। जब यीशु क्रूस पे मर गया तो यीशु का पवित्र लहू पूरी दुनिया के पापों के लिए उस वाचा के संदूक के ऊपर, जो दया का आसन था, परमेश्वर का मेमना लहू, जो जानवर से, जिसको जानवर की तरह ट्रीट किया गया, उससे भी बदतर, क्योंकि उससे बेइज्जत, जानवर को बेइज्जत नहीं करते थे, उसको प्रताड़ित करते थे, लेकिन यीशु को प्रताड़ित भी किया गया लेकिन बेइज्जत भी किया गया। जानवर कपड़े नहीं पहनता, इंसान कपड़े पहनता है, तो यीशु को नंगा किया गया क्योंकि उसको बेइज्जत करना था, और यीशु के लहू को बहा दिया गया। और वही यीशु का लहू है जो परमेश्वर के पवित्र स्थान में, जहां परमेश्वर है, जहां हमारा पाप, वहां पे परमेश्वर को दिखता है, उस दया के आसन में, आत्मिक बात बता रहा हूं मैं आपको, उस दया के आसन में वो लहू बहा दिया गया। ताकि यीशु के लहू बहाने से पहले परमेश्वर किस चीज को देख रहा था? हमारे पाप को देखता था। लेकिन जब यीशु ने 2018 साल पहले अपना लहू बहाया तो परमेश्वर के दया के आसन पर क्या हो गया? यीशु मसीह का लहू बहा दिया गया। और अब जब प्रभु देखता है तो उसको पाप दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? यीशु का लहू दिखता है। उसी यीशु के लहू के नीचे छुपने के लिए हमें जरूरी है। क्या आप छुप रहे हैं यीशु के लहू के नीचे? क्या आप आ गए हैं? क्या आपने पापों को कबूल कर लिया है? क्या आपने मान लिया है कि आप पापी हैं? और अगर यीशु का लहू आपके ऊपर नहीं है तो प्रभु की क्रोध की आंखें आपके ऊपर बनी हुई हैं, और प्रभु के क्रोध का एक ही फल है, हमेशा के लिए नरक में हमें जाना है। इसलिए जितने लोग यहां बैठे हैं, आप लोगों के लिए सवाल है, क्या सचमुच यीशु आपके उद्धारकर्ता बन चुके हैं? क्या सचमुच आपने यीशु को अपने जीवन का सब कुछ बना लिया है? इस बात का आपको जवाब देना है। और जब यीशु के लहू के नीचे हम छुप जाते हैं,
यीशु का लहू हमारे ऊपर है तो प्रभु का क्रोध हमारे ऊपर नहीं है। वो दया के आसन पे जो लहू बहाया गया तो जितने लोग उस दया के आसन के नीचे हैं उतने लोगों पर प्रभु ने अपनी दया डाल दी है। हालेलुया। इतना पवित्र है प्रभु और इतना आवश्यक था वो लहू जो यीशु को हमारे लिए बहाना पड़ा। और अगर आप इस बात को आज समझ गए हैं आप परमेश्वर की पवित्रता के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, आप पवित्र जीवन जिएंगे। पवित्र जीवन तब तक नहीं जी पाओगे जब तक तुम परमेश्वर की पवित्रता के बारे में सोच नहीं लेते हो, समझ नहीं जाते हो कि वो सचमुच अत्यंत पवित्र है। सो व्हाट यू नीड टू लिव अ होली लाइफ इज अ विजन ऑफ गॉड। आपको जो चीज चाहिए ना पवित्र जीवन जीने के लिए वो परमेश्वर का दर्शन है, प्रभु के दर्शन को पाओ और फिर आप उसके पवित्रता को खिलवाड़ नहीं करेंगे। परमेश्वर को हमारे पापों की माफी के लिए अपने पुत्र का लहू वाकई में बहाना पड़ा। परमेश्वर को मनुष्य बन के इस धरती पर आना पड़ा और उसने हमारे लिए अपनी जान दी। और ये जरूरी था, अगर ये ना होता तो हम अपने पापों में मर जाते। इसलिए उसके लहू की इज्जत करो। जब तक यीशु के लहू की कीमत को नहीं समझोगे, जब तक यीशु के कुर्बानी को नहीं समझोगे, जब तक यीशु मेरे लिए सचमुच मर गया इस बात का आदर और इस बात की गहराई को नहीं समझोगे पवित्र जीवन नहीं जी पाओगे। लेकिन अगर आप इज्जत करना जान गए उसके क्रूस की, ये जान गए कि अगर उसके लहू के नीचे आप नहीं हैं तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर बना हुआ है। परमेश्वर के लहू की इज्जत करें। इस तरह के चर्च बन जाने के लिए दुआ करनी है जिसमें हर एक व्यक्ति पवित्र जीवन जिए। सेकंड लास्ट देखेंगे, प्रे फॉर यूनिटी इन द चर्च। कलीसिया में एकता के लिए प्रार्थना करना, कलीसिया में एकता के लिए प्रार्थना करना। यीशु ने प्रार्थना की, प्रभु इनको एक कर, इनको एक रखना। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है और पौलुस कुरिंथियों की कलीसिया को पत्री लिखता है और कहता है कि तुम लोग लड़ाइयां क्यों कर रहे हो, तुम लोग अलग अलग झुंड बना के बैठे हो। कोई कहता है मैं पास्टर जॉय का हूं, कोई कहता है मैं पास्टर सोनू का हूं, कोई कहता है मैं वेरोनिका का हूं, कोई कहता है सैरा दीदी का हूं, कोई कहता है मैं सपना का हूं, कोई कहता है मैं प्रखर का हूं। तुम अपने अलग अलग झुंड बना के बैठे हो। हम सब प्रभु के हैं और उस एकता को, और पौलुस विनती करता है एकता की आत्मा में एक बने रहो, एकता बना के रखे रहो। इसलिए आपस में हमें एक ऐसी कलीसिया बनना है जो एक हो। ध्यान रखना इस बात का कि चर्च में सब लोग आपके जैसे नहीं है जो आते हैं। सबको अलग अलग परवरिश मिली है, सब अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। कोई ऐसे परिवारों से है जहां पे माता पिता जिम्मेदार थे, अच्छी परवरिश हुई। कुछ ऐसे परिवार में है जहां बाप शराब पीता था, माँ सब दिन काम करने में व्यस्त रहती थी तो बच्चों को परवरिश ज्यादा अच्छी नहीं मिल पाई। कई लोग यहाँ पे अनाथ होंगे जिनका ना माँ है ना बाप है। कई ऐसे होंगे जो बहुत पैसे वाले बैकग्राउंड से आए हैं, कई ऐसे होंगे जो ज़्यादा पैसे वाले बैकग्राउंड से नहीं आए हैं, कई ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे हैं, कई ऐसे होंगे जो अनपढ़ हैं। यहाँ से एकता टूटनी शुरू हो जाती है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड अलग अलग है, हमारी पर्सनैलिटी अलग अलग है, हमारा नज़रिया अलग अलग है चीज़ों को देखने का, सोचने का, समझने का। कोई लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, कोई लोगों का दिल बहुत बड़ा है, माफ़ी करते रहते हैं लेकिन उनके अंदर घमंड आ सकता है। इसलिए ये सारी बातें हमें कलीसिया में अलग कर विभाजित कर सकती हैं और हमें एकता बनाए रखने के लिए दुआ करनी है। ऐसा चर्च के लिए दुआ करनी है जो चर्च में एकता हो और ऐसे चर्च के लिए प्रार्थना करनी है अपने आत्मिक अगुवों के लिए जो प्रार्थना करे, अपने पास्टर के लिए, अपने अगुवों के लिए जो दुआ करे। मैं आप लोगों को हाथ उठाने के लिए नहीं बोलूंगा लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, हाथ मत उठाना, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो रोज मेरे लिए दुआ करते हैं, जो चर्च के अगुवे के लिए रोज दुआ करते हैं? किस बात के लिए? जैसे चर्च ने प्रार्थना की कि तेरा वचन बोल्डली प्रचार कर सके और चमत्कार उनके द्वारा हो सके और हम पवित्र जीवन जी सकें। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग दुआ करते हैं कि प्रभु तू हमारे पास्टर को पवित्र जीवन और दे, और तेरे करीब लेकर के आ, उन्हें गिरने से बचा, उन्हें घमंडी होने से बचा। पता नहीं आप में से कितने लोग दुआ कर रहे हैं लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है,
आप मेरे लिए दुआ करें और चर्च के अगुओं के लिए दुआ करें और हमारी टीम के लिए दुआ करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। अपनी कलीसिया की सारी सेवक सेवकाइयों के लिए दुआ करना, यूथ मिनिस्ट्री के लिए दुआ करना, हमारे सत्संग के नौजवानों के बीच में हम खुश नहीं हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा किस प्रकार हम उनमें से एक एक की अलग अलग जीवन में उनकी परिस्थिति है, कैसे हम उनकी मदद करें हमें समझ में नहीं आ रहा। प्रार्थना कर रहे हो प्रभु हमारे चर्च के नौजवानों को तू सही कर, सीधा कर, हमारे चर्च के नौजवानों को सचमुच तू अपना दर्शन दे, उन्हें सचमुच में पवित्र जीवन जीने के लिए उन्हें आगे बढ़ा। जो हमारे चर्च के यूथ है नौजवानों के लिए दुआ कर रहे हो, हमारे चर्च के बच्चों की सेवकाइयों के लिए दुआ कर रहे हो, हर संडे 7 बजे बच्चे चले जाते हैं, ऊपर क्या होता है, ऊपर बड़ी मेहनत होती है, ऊपर जब बच्चे अपने टीचर से, सहरा दीदी से और इंदिरा से और इन लोगों से कहते हैं ना कि हमारे घर के लिए दुआ करो, मेरे मम्मी पापा बहुत लड़ाई करते हैं, उन लोगों के आंसू आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे गहरी गहरी बातें बोलना जानते हैं, क्योंकि जो कुछ आप अपने घरों में कर रहे हैं आपके बच्चे देख रहे हैं और आपके बच्चों का दिल टूटता है। प्रार्थना कर रहे हो प्रभु हमारे बच्चों को ग्रो करना, हमारे बच्चे सचमुच में ऊपर जाके वचन के बच्चे बन जाएं, प्रभु प्रार्थना करते हो हमारे बच्चे बड़े होके तेरा नाम लेने लगें, हमारे बच्चे बड़े होके तेरी सेवा करें। चर्च की अलग अलग सेवाओं के लिए जब हर संडे यहां पर खड़ा होके मैं प्रचार करता हूं, प्रार्थना करते हो परमेश्वर, जब पास्टर जॉय जब तेरा वचन लेके आते हैं तो प्रभु उनके प्रचार में तेरी शक्ति हो, तेरा शब्द हो, तेरी आत्मा हो उनके वचनों में। प्रार्थना करते हो आप वचन के लिए, प्रवचन के समय के लिए दुआ करते हो, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं की समस्याओं के लिए और अलग अलग जो हमारी सेवकाइयां हैं उसके लिए क्या आप दुआ करते हो। और अंत में प्रार्थना करना कि आपका चर्च अपने आप में एक छोटा सा साम्राज्य नहीं बन जाए। परमेश्वर ने हमको पूरी दुनिया में जो उसका राज्य है, इनफैक्ट पूरी कायनात में जो उसका राज्य है, उसका एक छोटा सा हम हिस्सा हैं। हम ऐसा चर्च बने जो परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचे, हम ऐसा चर्च बने जो दूसरों के साथ मिलजुल के सेवा करे, जो भाईचारे को समझे, ऐसा चर्च ना बने जो चर्च कहे हाँ तो DBF ही सबसे अच्छा चर्च है, बाकी सब तो आप हमारे चर्च में आना, हमारा चर्च बहुत अच्छा है, तो हम गलत उन्नति कर रहे हैं। हम परमेश्वर के राज्य के सेवक हैं। एक ऐसा प्रार्थना करना प्रभु हम कहीं आपस में ना एक छोटी सी दुनिया बना के खुश ना रहें कि बस ये हमारा चर्च है, हम आते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, हम मूवी नाइट भी करते हैं, हम कैंप भी चले जाते हैं, लेकिन चर्च के बाहर क्या हो रहा है उसकी हमें चिंता नहीं। ऐसा चर्च हमको नहीं बनना है। प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तेरे राज्य में सक्रिय कलीसिया बना, जो तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, ना कि अपना एक शासन और अपना प्रशासन और अपना एक साम्राज्य बनाने में लगी हुई है। ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सी कलीसियाएं इस प्रकार चलने लगी हैं, क्योंकि ये मॉडर्न कलीसिया है आजकल, मॉडर्न कलीसिया, तो वो प्रेरितों का जो छाप हमारे ऊपर लगी हुई थी उससे हम दूर होने लगे हैं। प्रभु का राज्य आए हमारे द्वारा, इसी बात के लिए हमें दुआ करनी है। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और इन बातों को आप ध्यान रखें जो बातें मैंने आपको आज बोली हैं, कि हमें एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया बनना है। प्रे फॉर द परमेश्वर के राज्य में अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना करो, कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करो। अगले हफ्ते मैं बताऊंगा आपको संख्यक उन्नति के लिए प्रार्थना करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, मैं बताऊंगा। लेकिन अब हम देख इस बार सिर्फ इतना ही देखा है कि हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करनी है। सब मिलके पढ़ते रहें, हिंदी में क्या लिखा है सब जोर से पढ़ें। एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, दूसरा एक ऐसी कलीसिया बनने के लिए प्रार्थना करना जो परमेश्वर के लिए उत्साहित हो और जुनून रखती हो, एक ऐसी कलीसिया बनने के लिए प्रार्थना करना जो वचन के लिए भूखी हो, एक ऐसी कलीसिया बनने के लिए प्रार्थना करना जो धन्यवाद देती रहे, एक ऐसी कलीसिया बनने के लिए प्रार्थना करना जो प्रेम भरी हो, एक ऐसी कलीसिया बनने के लिए प्रार्थना करना जिसमें परिवार मजबूत हो, एक ऐसी कलीसिया बनने के लिए प्रार्थना करना जिसमें हर एक व्यक्ति पवित्र जीवन जिए, एक ऐसी कलीसिया बनने के लिए प्रार्थना करना जिसमें एकता हो, एक ऐसी कली और अपने आत्मिक अगुओं के लिए प्रार्थना करना। पढ़ो, अपनी कलीसिया की सब सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करना,
प्रार्थना करना कि आपकी कलीसिया अपने आप में एक साम्राज्य ना बन जाए, हम प्रभु के राज्य में ही जुड़े रहें। अगले हफ्ते मैं आपको इस पे शिक्षा दूंगा कि अपनी कलीसिया की संख्यक उन्नति के लिए प्रार्थना करनी है कि और लोग आ जाएं, और लोग आ जाएं। बट ध्यान रखना, यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, शायद नए लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम संभाल नहीं पा रहे हैं लोगों को, और लोगों को संभालना, नए लोगों को संभालना, मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं, मेरा काम नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी है। दिस कुड वेल बी द रीजन, यही वो कारण हो सकता है नए लोग कलीसिया में नहीं आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो चले जा रहे हैं वापस। क्यों? क्योंकि आप लोग संभाल नहीं पा रहे हो। 1000 बार मैं कहना चाहता हूं, कितनी बार? 1000 बार मैं आपको कहना चाहता हूं, नए लोगों को लाना, उनको संभालना, उनको प्यार करना, प्रभु में उनको बढ़ाना, सत्संग के लोगों आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। मैं सिर्फ आपके साथ उस काम को करने के लिए एक मददगार हूं। मेरा मुख्य काम है जो आप लोग हैं सेवा के काम के लिए आपको तैयार करना, आपको खड़े करना। इसलिए अगर नए लोग नहीं आ रहे हैं, शायद प्रभु नहीं भेज रहा है क्योंकि हम संभाल नहीं पा रहे हैं। और दुख की बात पता मालूम है क्या? परमेश्वर सचमुच लोगों को बदलने के लिए तैयार बैठा है। पता क्यों? लोग तैयार बैठे हैं, फसल पकी है, फसल तैयार है, हमें सिर्फ काटना है। तो इसलिए आप लोग जिम्मेदार बने, अपना अपना काम करें, स्वार्थी जीवन जीना छोड़ दें। लीव दिस फेलोशिप सेल्फिश वे ऑफ लाइफ, सिर्फ अपने बारे में ये इस तरह का जीवन छोड़ दो, और दूसरों के बारे में, कलीसिया की उन्नति के बारे में सोचना शुरू करो। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं यही दुआ करता हूं, हम मजबूत लोग बने और हम ऐसी कलीसिया बने जो सचमुच परमेश्वर के वचन के अनुसार चलती है और जो प्रार्थना करती है। हालेलुया।